आज हर कोई किसी ना किसी की ले रहा है, और बड़े प्यार से खुश होकर के दूसरे को ये कहता है कि देखा मैंने उसकी कैसी ली है। एक सीधे साधे माँ बाप से ट्यूशन फीस के बहाने बेटा या बेटी पैसे मांगते हैं, और फिर उन पैसों से पार्टीज करते हैं दोस्तों के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में घूमते हैं, और अपनी शेखी बघारने के लिए अपने दोस्तों के सामने अपने ही माँ बाप के लिए ये कहते हैं कि देखा कैसे मैंने आज मेरे पेरेंट्स की ली है। एक लड़का हर दूसरी लड़की से यही बोलता है कि तुम मेरे लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हो, और मैं शादी सिर्फ तुम ही से करूंगा। लड़की अगर उसकी बात से नहीं पटी तो ये लड़की की किस्मत, लेकिन अगर इस डायलॉग बाजी से लड़की पट गई तो उस लड़के की पहली प्रायोरिटी लड़की के साथ में सेक्स करना होता है, और फिर उस लड़की को इस्तेमाल करने के बाद वो लड़का अपने ग्रुप में उस लड़की के लिए ये कहता है कि देखा कैसे मैंने इसकी ली है। और इस मामले में लड़कियां भी कम नहीं होती हैं बॉस, 6-6 बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं और हर दूसरे महीने में बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, हर लड़के से महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती हैं, उनके साथ घूमती हैं, फिरती हैं, ऐश करती हैं, और जब पूरी तरह से लड़के को चूस लेती हैं तो अपनी स्मार्टनेस अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने दिखाने के लिए बोलती हैं कि देखा मैंने अपने चूतिए बॉयफ्रेंड्स की कैसी ली है। ज्यादा सेल ना होने पर एक बॉस अपने जूनियर्स की लेता है, स्कूल टीचर से ट्यूशन ना करो तो स्कूल टीचर स्टूडेंट्स की लेता है, एक नेता दूसरे नेता की लेता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी की लेती है, और सब लोग मिलकर के आम जनता की ले रहे हैं। एक पुलिस वाला गलत कानून सिखा करके पब्लिक की लेता है, फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म के फ्लॉप हो जाने पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की लेता है, किसी घर में एक सास अपनी बहू की लेती है तो किसी दूसरे घर में कोई बहू अपनी सास की लेती है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के लिए एक भाई अपने दूसरे भाई की लेता है, क्योंकि आज हमें जितना मजा किसी की हेल्प करने में नहीं आता उससे कहीं ज्यादा मजा किसी की लेने में आता है। इसलिए आज जितनी तेजी से कैंसर नहीं बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा स्पीड से इस दुनिया में कोई ना कोई किसी ना किसी की ले रहा है। क्या हम एक दूसरे के लेने की आदत को छोड़ नहीं सकते? और अगर नहीं छोड़ सकते तो जाओ लो अपने उन मासूम माँ बाप की जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हारी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। जाओ लो अपने उस बॉस की जिसकी वजह से तुम्हारा घर चलता है। जाओ लो अपने उस गुरु की जिसने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए गुरु मंत्र दिया, और जाओ लो अपने उस भाई की जो साल में 6 बार तो नहीं लेकिन कम से कम एक बार तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करता ही होगा, और लेने दो किसी को तुम्हारी बहन की क्योंकि तुमने भी किसी की बहन की ली थी ये बोलकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और अगर इतना लेने के बाद भी तुम्हारा मन ना भरे तो ये याद रखना कि आज तुम सबकी ले रहे हो, कल कोई ना कोई तुम्हारी लेगा।